अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत होंगे। आज हम वार्डरोब ऑर्गेनाइजर्स का ओवरव्यू करने जा रहे हैं। इन्हें वार्डरोब ऑर्गेनाइजर हैंगर्स भी कहते हैं और दुपट्टा हैंगर्स या स्काफ ऑर्गेनाइजर्स भी कहते हैं। ये रिंग हैंगर्स होते हैं, रिंग शेप में बने हुए। इनमें दो आर्टिकल्स हैं और डिफरेंट कलर्स हैं। तो सबसे पहले चलिए ये आर्टिकल को मैं साइड पर करता हूँ ताकि आपको मैं दूसरा आर्टिकल सही तरह दिखा सकूँ। इसमें चार कलर्स अवेलेबल हैं, इसमें चार कलर्स हैं अवेलेबल। तो इसको ओपन करते हैं और देखते हैं। ये इस तरह ये ओपन हो जाते हैं, मैं नीचे रख दूँ। और ये सब डी अटैच हो सकते हैं रिंग, मतलब अगर आपको ये फुल लेंथ नहीं चाहिए, एक तो आप इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे आपने एक लेयर फोल्ड कर दी, ये पांच लेयर्स हैं इसमें। ये देखें, पांच लेयर्स वर्टिकल हैं और चार इसकी रोज हैं, और हर रिंग जो है वो डी अटैच हो सकता है। ये देखें, ये रिंग डी अटैच हो गया। अगर आपको एक लेयर नहीं चाहिए आप निकाल दें, अगर आपको ये वाली एक लेयर नहीं चाहिए आप निकाल दें। जो जो लेयर आपको चाहिए, मतलब जितनी लेयर्स आपको रिक्वायर्ड हैं आपके वार्डरोब के लिए, आप उतनी लेयर्स इसमें रख सकते हैं, और जो आपको नहीं रिक्वायर्ड वो आप निकाल सकते हैं और दोबारा रीअटैच खुद ही कर सकते हैं घर में ही बैठे। काफ़ी इजी है ये और काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है दुपट्टे वगैरह स्काफ्स कैरी करने के लिए। और इस ये जो है इसका मटेरियल, ये प्लास्टिक है और ये ऊपर जो रॉड होता है वार्डरोब के अंदर, रॉड होता है उसके अंदर ये लग जाता है हैंगर की तरह ही। और इजीली फोल्डेबल है, कैरी करना भी ईजी है। आपको नहीं चाहिए आप इस तरह रख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि स्पेस कम है, आप बिल्कुल ही इसे उतार के रखना चाहते हैं, तो हर रिंग उतार के आप इसे रख सकते हैं। इवन ये वाला भी इसका डी अटैच हो जाता है। अगर मैं आपको ये भी दिखाऊं, ये देखें ये भी डी अटैच हो जाता है इस तरह। ये सारे क्लिप आप ओपन कर लेंगे तो ये डी अटैच हो जाएगा। आप इसे ओपन करके भी रख सकते हैं। काफ़ी अच्छी और यूज़फुल प्रोडक्ट है। एक इसमें क्रीम कलर है, एक इसमें रेड कलर है, और एक पर्पल और एक ब्लू कलर। चार कलर्स अवेलेबल हैं इनमें। अगर आप कोई भी इनमें कलर अपनी पसंद का ऑर्डर करना चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अब देखते हैं दूसरा हैंगर जो है। ये भी रिंग हैंगर ही है लेकिन ये फिक्स होते हैं, ये डी अटैच नहीं होते। इनमें भी चार पांच, इनमें बहुत सारी वेरिएशन आती हैं लेकिन अभी चार वेरिएशन हैं कलर्स में। ये देखें, ब्लू, डिफरेंट कॉम्बिनेशन आते हैं इनमें। लेकिन ब्लू के साथ ये वाइट है, पर्पल है, ये येलो के साथ रेड है और वाइट है, ऑरेंज के साथ पर्पल वाइट, और ये पिंक के साथ पर्पल, लाइट पर्पल और वाइट। तो चलिए इनको मैं बाकियों को साइड पर रख देता हूँ और एक हम ओपन करके उसको देखते हैं। ये फुल रिंग आपके सामने ओपन हो गया। इसके जो रिंग्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 रिंग्स की इसकी जो लाइन है, और हॉरिजेंटली 4 रिंग्स हैं। 7 4 28 रिंग्स इसके बनते हैं। ये काफ़ी बड़ा ऑर्गेनाइज़र बन जाता है, वार्डरोब ऑर्गेनाइज़र आपका। और सेम इसी तरह इसके ये रोड के लिए ये हुक बनी हुई है हैंगर वाली, और ये मूवेबल हुक है। अगर आप इसकी डायरेक्शन मूव करना चाहें तो मूव भी हो जाती है। और इसके अंदर जो है वो रिंग जो है वो मेटल के होते हैं, और ऊपर ये कोटिंग हुई हुई है। कोटिंग मतलब ये कोई फैब्रिक टाइप लगता है जिसके ये बने हुए हैं। और अगर मैं अंदर आपको ये देखें दिखाऊं, मेटल के रिंग बने हुए हैं काफ़ी मजबूत। ये ऊपर पता नहीं पेपर की कोटिंग की हुई है, लेकिन ये काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट है। आप इसमें अपने दुपट्टा वगैरह ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, स्काफ्स ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, बच्चों की चीज़ें, बच्चों के क्लोथ वगैरह वो इजीली इन रिंग्स में आ सकते हैं। और ये इस तरह फोल्ड हो जाते हैं।
ये देखें इस तरह ये फोल्ड हो गया, काफ़ी अच्छी और यूज़फुल प्रोडक्ट है जी। अगर आप इन्हें ऑर्डर करना चाहें आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।